अगर आप घबराहट में आप प्रभु की आवाज को मिस कर देंगे, आप अगर उसके पूरी तरह उसके मार्ग पे, उसके उस चिन्ह पे जो परमेश्वर ने आपको दिया, आप उस पे नहीं चल रहे हो, आप उसके आवाज को मिस कर दोगे। और याद रखो, जो आपके लिए बेस्ट रखा गया उसके लिए प्रोसीजर्स हैं, उसके लिए रूल्स हैं, उसके लिए कुछ पौड़ियाँ हैं, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ सीढ़ियाँ हैं जो आपने एक एक करके चढ़नी, और परमेश्वर ने आपकी अगुवाई करने की कब और कैसे दूसरी सीढ़ी चढ़ी जाए। और ये काम वही व्यक्ति कर सकता है जो हर वक्त परमेश्वर पे भरोसा रखता हो, जिसका हर पल हर रोज परमेश्वर पे आश्रित हो, जो पूरी तरह परमेश्वर पे केंद्रित हो, जिसने पूरी तरह परमेश्वर पे भरोसा रखा हो, जो अपने हर स्टेप के लिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई पर निर्भर हो। ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, यहां नहीं हुआ तो बाहर चले जाएंगे, बाहर नहीं हुआ तो अंदर चले जाएंगे। नो 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 नो, ये आत्मा तो द्वारा चले जाने व्यक्ति की निशानी नहीं। और इसीलिए आज बहुत कम लोग हैं सेवकाई में भी और विश्वासी लाइफ में भी जो अपने पीक लेवल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि उसके बीच में जो मुश्किलें, जो रुकावटें और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसको आपको पार करना है अपना बेस्ट पाने के लिए। उस डर को पार करना है आपने, रेस्टलेस को, उस बेआरामी को आपने पार करना है, उस अविश्वासी मन को आपने पार करना है, उस बेस्ट तक पहुंचने के लिए, उस उत्तम तक पहुंचने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ। उसने कहा परमेश्वर के मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। और बाइबल ऐसा भी कहती है नए नियम में कि परमेश्वर का मार्ग संकर है और थोड़े हैं जो इसे पाते हैं। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश तक पहुंचता है और बहुत उसमें चलते हैं, और लिखा संकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग तक पहुंचता है और थोड़े इसे पाते हैं। परमेश्वर ने वायदा नहीं किया कि यह मार्ग मुश्किलों से भरा नहीं होगा। उसने कहा यह मार्ग संकरा होगा, तंग होगा, लेकिन उसके मार्ग में ऐसे उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं जो किसी मार्ग में आपको नहीं मिलेंगे। उत्तम पदार्थों के आप मालिक होंगे, आपकी हर चीज उत्तम होगी। अगर नहीं होगी तो अपनी प्रार्थना और मेहनत से आप उसे उत्तम बनाएंगे। आपको परमेश्वर ने फाइट करने का अधिकार दिया, प्रार्थना करने का अधिकार दिया, मांगने का अधिकार दिया। आप उन लोगों की तरह दीवारों पे सिर नहीं मार रहे हो जो किस्मत के सहारे चलते हैं, बोलते जो ऊपर से लिखा गया, तो फिर नीचे क्या कर रहे हो, ऊपर चले जाओ। परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे, जो कोई ढूंढता है उसे, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। कोई जीवित परमेश्वर ऐसा नहीं कहता कि अब मेरा बस नहीं चलता। जीवित परमेश्वर कहता मैं आज, कल और कल, कल आज और कल युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। मैं चंगा करता था, यीशु मसीह के टाइम पे भी किया, अब भी करता हूं और करता रहूंगा।